हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुजीत लाठर, स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी और सीडीपी की जो हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो इंटेलिजेंस का टॉपिक है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस जो टेस्ट हुए हैं, बुद्धि के मापन हुए हैं, उनके बारे में कि सबसे पहले मापन किसने किया, क्या हुआ, इसको हम स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। और वैसे भी तो देखिए, अगर बात की जाए फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षणों के जनक कौन है या बुद्धि मापन के जनक किसे कहा जाता है, तो ये है अल्फ्रेड बिने। कौन है ये? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षणों का जनक क्यों कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फ्रेड बिने ने 1905 में फ्रांस में सबसे पहली बार पहला बुद्धि परीक्षण किया था। तो जो व्यक्ति पहला टेस्ट करेगा, बुद्धि परीक्षण करेगा, उसी को तो हम फादर कहेंगे। तो अल्फ्रेड बिने को फादर ऑफ इंटेलिजेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1905 में क्या किया था? पहला बुद्धि परीक्षण किया था फ्रांस में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके प्रयास से बुद्धि का मापन या बुद्धि का परीक्षण संभव हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये श्रेय जाता है विलियम वुंड को। विलियम वुंड ने क्या किया था? 1879 में जर्मनी के लिप्ज़िंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, और उसी प्रयोगशाला में यंत्रों के माध्यम से बुद्धि का मापन किया जाने लगा। और इन्हीं की वजह से ये क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट इनमें बिल्डअप हुआ, और इन्होंने अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया या तैयार किया। ठीक है, तो हम इसकी आईक्यू की हिस्ट्री भी साथ साथ देख लेते हैं। स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, आईक्यू टेस्ट की अगर बात की जाए तो बुद्धि परीक्षण का उपयोग बुद्धि को मापने में किया जाता है। इसे बुद्धि मापनी भी कह सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस स्केल के नाम से भी इसको आप जान सकते हो। बुद्धि परीक्षण का जनक मैं आपको बता ही चुका हूं कौन है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। बुद्धि परीक्षण का जो इतिहास रहा है उसमें सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो हुआ वो फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने ने साइमन की सहायता से, साइमन इनके एक सहयोगी थे अल्फ्रेड बिने के, सहायता से 1905 में एक परीक्षण तैयार किया जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। और इसमें इन्होंने प्रश्नों की जो संख्या रखी ना, वो 30 कुछ प्रश्न रखे इन्होंने, 30 क्वेश्चन के आधार पर इस टेस्ट को इन्होंने लिया था। ठीक है, इसके बाद इसमें एक संशोधन किया गया 1911 में, और अमरीका में इस संशोधन को किया गया, तथा संशोधित जो परीक्षण था उसको क्या कहा गया, संशोधित बिने परीक्षण। ठीक है, अब इसमें प्रश्नों की जो संख्या है वो पहले की गई 56 के बाद इसमें प्रश्नों की संख्या की गई 59, और दिसंबर 1911 अंत तक इसमें प्रश्नों की संख्या कर दी गई थी 60। इसके बाद 1916 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिने साइमन बुद्धि का परीक्षण का जो संशोधन किया गया, उसके बाद इस टेस्ट को कहा जाने लगा स्टैनफोर्ड बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, या स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, या कह सकते हैं टर्मन बुद्धि परीक्षण। और इसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, टोटल 90 क्वेश्चंस इसमें निर्धारित किए गए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि अमेरिका में टर्मन की अध्यक्षता में 1916 में, या टर्मन की अध्यक्षता वर्ड आपको ना भी मिले और ये कह दे कि 1916 में अमेरिका में जब प्रथम बिने साइमन स्केल का क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, तब इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 90, और इसका नाम क्या हो गया था, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कह सकते हैं इसको, या फिर टर्मन बुद्धि परीक्षण के नाम से इसको जाना जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि बुद्धि परीक्षणों के टाइप के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बुद्धि परीक्षण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत सामूहिक है, इसको हम एक स्लाइड के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको केवल और केवल यह समझना है
कि शाब्दिक क्या है और अशाब्दिक क्या होता है, उसके बाद हम व्यक्तिगत में क्या होंगे, शाब्दिक होंगे अशाब्दिक होंगे, उसके बाद सामूहिक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक होंगे, क्रियात्मक का क्या रोल है, ये सब हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें केवल दो पॉइंटों के बारे में बात करनी है, कौन से कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो आपके सामने स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को आप वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कह सकते हैं, वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कह सकते हैं। शाब्दिक परीक्षण वे होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग होता है बोलकर या लिखकर, जिनको हम सेंटेंसेस के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं, वो सभी प्रकार के टेस्ट या जो परीक्षण है वो क्या कहलाएंगे, शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के अंतर्गत उनको हम काउंट करेंगे। अगर बात की जाए अशाब्दिक या अभाषिक या अवाचिक बुद्धि परीक्षणों की, तो इनको क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहा जा सकता है। क्रियात्मक का मतलब जिसमें कार्य करके देखा जाए, तो शब्दों का प्रयोग तो इसमें भी नहीं हो रहा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, क्रियात्मक को भी अशाब्दिक में हम काउंट कर सकते हैं। तो ये कैसे परीक्षण होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि चित्रों का, इमेजेस का, आकृतियों का इसमें प्रयोग होता है। आई होप आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर बात की जाए कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो अशाब्दिक परीक्षण है वो किन लोगों के किए जाते हैं, तो वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो जो विकलांग लोग होते हैं, जैसे कि गूंगे हैं, बहरे, अंधे, अनपढ़, या सैनिकों की छंटनी के लिए ये टेस्ट बनाए गए। सैनिकों की छंटनी के लिए 1917 के टाइम की बात है ये, जब उस टाइम पर क्या हुआ था, विश्व युद्ध के दौरान, और जो कम पढ़े लिखे लोग थे ना उनको भी सैनिक बनाने के लिए जो टेस्ट किया गया था, तो सामूहिक एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण था, और वो कौन सा था, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उसमें प्रयोग किया गया था। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे इसमें पहला पॉइंट जो है, सैनिकों की छंटनी के लिए अशाब्दिक परीक्षण सहयोगी है। दूसरा पॉइंट आप इसमें देख पा रहे होंगे, वर्तमान समय में सबसे अधिक जो प्रचलित है वो कौन सा है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का मतलब हम जो टेस्ट वगैरह देते हैं, जैसे आप लोग रीट का एग्जाम दें, एस्टेट का एग्जाम दें, तो उसमें हम एक समूह में बैठकर तो परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो सबका अलग अलग, जो भी परफॉर्मेंस रहेगी वो आएगा, तो इस सामूहिक शाब्दिक परीक्षण में आप इसको शामिल कर सकते हैं। तीसरा आपको क्या दिया हुआ है, बुद्धिमापन के लिए सर्वोच्च परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण माना जाता है, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का ही जिसमें परीक्षण होता है। जैसे कि आपने अगर कोई टेस्ट दिया किसी जॉब के लिए, ठीक है, तो आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही तो आएगा, आपका रिजल्ट ही तो आएगा। ये नहीं है ना कि आप लोगों ने मिलकर ग्रुप में 10-20 लोगों ने मिलकर उसको परीक्षण को तैयार किया था या टेस्ट दिया था, नहीं। अगर ग्रुप में मिलकर उस टेस्ट को दिया गया तो क्या हो जाएगा, सामूहिक, और अकेले आप दे रहे हैं और अकेले के ऊपर ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसका रिजल्ट आप अकेले का आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कैसा हो जाएगा, जो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हम उसको कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे, टर्मन जो एक साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने जो बुद्धि की तालिका है, सारणी है, वो भी प्रस्तुत की थी। टर्मन के अलावा मैरिल ने भी की थी, वेस्लर ने भी की थी, और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बुद्धि की तालिका या सारणी प्रस्तुत की। तो टर्मन ने अशाब्दिक परीक्षणों को उचित ठहराया और कहा कि वो परीक्षण उचित परीक्षण नहीं होता जिसमें भाषा का प्रयोग ना हुआ। जो अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है ना, यहां पर एक टाइपिंग एरर हो गया, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है इनको टर्मन ने क्या कहा, अनुचित ठहराया। और उनका यह मानना था कि जो जिस भी टेस्ट में भाषा का प्रयोग नहीं होता, किसी लैंग्वेज का यूज नहीं होता, किसी प्रकार के शब्दों का यूज नहीं होता, तो वो जो टेस्ट होता है वो मेरे अकॉर्डिंग मान्य नहीं है। ठीक है, सबसे पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण फ्रांस में 1905 में बनाया गया था, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसी वजह से अल्फ्रेड बिने को इंटेलिजेंस टेस्ट, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है, बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। ऑर्टियक्स जो थे उन्होंने अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 में सैनिकों की छटनी के लिए दो प्रकार के सामूहिक परीक्षणों का निर्माण किया था। ये दो प्रकार के सामूहिक परीक्षण हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको बता दूं, आर्मी अल्फा टेस्ट हो गए, तो एक दूसरा कौन सा था, आर्मी बीटा टेस्ट, इनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एक बार थोड़ा आप ये भी देख सकते हैं कि जो टेस्ट होते हैं, बुद्धि परीक्षण जो होते हैं, उन टेस्टों में बेसल वर्ष भी, बेसल ईयर हम इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होती है, जिस अधिकतम आयु के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं, और यही उसकी मानसिक योग्यता या मानसिक आयु होती है। किस अधिकतम आयु की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है जो फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा है, अकॉर्डिंग टू अगर हम जर्नल क्वालिफिकेशन उसमें देखें, जर्नली वर्गीकरण करके,
तो पांचवी क्लास का जो बच्चा है वो मान लीजिए फिफ्थ क्लास में हो गया और पांच साल का उसने एडमिशन लिया या सिर्फ छह साल के ने, तो पांच और छह ग्यारह, यानी कि वो दस से ग्यारह वर्ष उसकी वास्तविक आयु भी होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चा क्वेश्चन सोल्व कर देता है सिक्स्थ क्लास के, सेवंथ क्लास के, तो सेवंथ क्लास के बच्चे की जो वर्गीकरण के अकॉर्डिंग एज होनी चाहिए वो क्या हो जाएगी, सात और छह तेरह, तो उसकी मानसिक आयु क्या हो जाएगी, तेरह, जबकि वास्तविक आयु क्या है, ग्यारह। समझ पा रहे होंगे कि जिस अधिकतम आयु वर्ग के प्रश्नों को बालक हल कर देता है तो उसे क्या कहेंगे, बेसल वर्ष कहेंगे। ये बेस है, जैसे हम ये इसको यूं याद रख सकते हैं कि भाई ये इस बच्चे का बेसिक ठीक है, ठीक है, तो मतलब वो कर पा रहा है ना उस चीज को। दूसरा आपको दिख रहा है टर्मिनल वर्ष, टर्मिनल एज, जिस आयु सत्र के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। इसको याद कैसे रख पाएंगे, इसको आप याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है और उस गवर्नमेंट जॉब में उसने कुछ गबन कर दिया, कुछ भी कर दिया, और उसको जॉब से क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया, यानी कि जिस आयु सत्र का क्वेश्चन बच्चा हल नहीं कर पाता है, सोल्व नहीं कर पाता है, तो उसको किसमें काउंट किया जाएगा, टर्मिनल एज में। एक चीज और यहां पर ध्यान रखने योग्य है, नोट के रूप में आपको दिया हुआ है, 16 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का बुद्धिमापन करते वक्त जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसमें वास्तविक आयु का जो मान है ना वो 16 ही रखा गया है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर जब ये फॉर्मूला तैयार किया गया था, टर्मन ने जब मल्टीप्लाई 100 किया था, सैटर्न, विलियम सैटर्न के द्वारा जब ये प्रतिपादित किया गया था, तो उस टाइम पर 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये नहीं बनाया गया था। तो अब भी उसमें क्या किया जाता है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे की वास्तविक आयु 17 वर्ष है तो उसकी वास्तविक आयु 17 वर्ष ना रख के क्या लिखी जाएगी, 16 लिखी जाएगी, और मानसिक आयु उसकी जितनी भी है वो ऊपर लिखी जाएगी, इनटू में 100 किया जाएगा। इससे आईक्यू का जो फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करके और इंटेलिजेंस कोशेंट बुद्धि लब्धि ज्ञात कर ली जाएगी। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है या बुद्धि के बारे में जो चीजें थी, किसने कैसे कैसे क्या बताया है, इतिहास है जो इंटेलिजेंस का, वो मैंने आपको इस बुद्धि के टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर में ही बता रखा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो बुद्धि के जो पास्ट के जो लेक्चर हैं, ये आठवां अपना लेक्चर चल रहा है, ठीक है, इंटेलिजेंस का, इससे पहले के सात छोटी छोटी वीडियोज हैं, 10 मिनट की 15 मिनट की, कोई मैक्सिमम 20 मिनट की होगी, तो वो आप कंप्लीट देखिए, ठीक है। आपको बुद्धि के टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और एक सूचना आपको ये भी मैं बता देता हूं, अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ डील करने वाले हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट पे ऊपर मैं कार्य कर रहा हूं, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके और वीडियोस आपको जल्दी प्राप्त हो सके। तो चैनल पर हमारा सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट करने में आप लोग मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील ना करें, हमें थोड़ा सपोर्ट करें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है इसको भी हम देख लेते हैं। इंटेलिजेंस का जो आईक्यू का जो क्लासिफिकेशन है वो मैं लुईस टर्मन का आपको बता देता हूं। लुईस टर्मन का सबसे प्रमुख माना जाता है, हालांकि इनके अलावा मेरिल और वेस्टलर का भी है, अगर आप कहोगे तो मैं वो भी करा दूंगा, लेकिन लुईस टर्मन का सबसे प्रमुख माना जाता है और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए टर्मन के अनुसार जो बुद्धि का वर्गीकरण है उसमें जिस भी बच्चे की आईक्यू क्या होती है, 25 से कम, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, आईक्यू बराबर क्या होता है, एमए मेंटल एज अपॉन में CA क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। ये टर्मन के द्वारा ही 100 मल्टीप्लाई किया गया था और 100 से पहले का जो है IQ बराबर MA अपॉन में CA, यहां तक का जो फॉर्मूला है वो विलियम सैटर्न और उसके साथी कोहलमान के द्वारा दिया गया था 1912 में। 1916 में इसमें क्या कर दिया गया था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था, इसके द्वारा टर्मन के द्वारा, और टर्मन ने इसके बाद ही इसी फॉर्मूले के आधार पर कैलकुलेशन करके एक तालिका या बुद्धि की सारणी प्रस्तुत की, उसी को हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो 25 से कम जिसकी आईक्यू होती है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिस भी बच्चे की आईक्यू क्या आती है, 25 से कम आती है, तो उसको इन्होंने क्या कहा, मामूर्ख या जड़ बुद्धि, इडियट हम इनको कह सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया 25 से 49, कहीं पर आपको 25 से 50 भी देखने को मिल सकता है, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, 25 से 49 या 25 से 50 की बात है, ठीक है। तो 25 से जो 49 है इन बच्चों को इन्होंने क्या कहा, मूड इम्बेसाइल, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने 25 से 69 इसको इन्होंने क्या कहा, मूर्ख, मूर्ख बच्चा, मूर्ख,
इस कैटेगरी का अगर कोई बच्चा होगा तो मूर्ख होगा। और जो 70 से 79 इन बच्चों को इन्होंने कहा मंद बुद्धि, फीबल माइंडेड, ठीक है, और इसको आप पिछड़े बच्चे भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 80 से 89 इन बच्चों को इन्होंने क्या कहा, सुस्त बुद्धि, कम बुद्धि भी हम इसको कह सकते हैं, डल। और इसके बाद 90 से 109 का जो वर्गीकरण है, 90 से 110 भी आप इनको पढ़ सकते हैं। तो इस वर्ग को इन्होंने क्या कहा, एवरेज जो इंटेलिजेंस के बच्चे हैं, सामान्य बुद्धि, या इसको आप क्या कह सकते हैं, एवरेज के अलावा सामान्य मतलब नॉर्मल, नॉर्मल इंटेलिजेंस के जो बच्चे होते हैं उनको सामान्य बुद्धि में, 110 से 119 या 120 तक जो बच्चे हैं उनको सामान्य औसत से उच्च श्रेणी में रखा गया है। सामान्य बच्चों से उच्च या औसत बच्चों से, एवरेज बच्चों से क्या, अबो जो बच्चे होते हैं, अबो एवरेज हम इनको कह सकते हैं। 120 से 139 जो इन्होंने रखा उसको इन्होंने क्या कहा, श्रेष्ठ बुद्धि, इनको क्या कहा इन्होंने, अति प्रखर भी कह सकते हैं इसको आप, श्रेष्ठ बुद्धि भी कह सकते हैं, सुपीरियर चाइल्ड कहा। और 140 या इससे अधिक, 140 से अधिक जो बच्चे थे उनको टर्मन ने प्रतिभाशाली, जीनियस कहा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको ध्यान रखना है, एक तो सामान्य बच्चों से आते हैं कि 90 से 110 के बीच, या आपको मान लीजिए 95 आ गई किसी बच्चे की, 100 IQ आ गई, तो वो बच्चा किस स्तर का है, तो आपको ये ध्यान रखना है वो किस स्तर का बच्चा होता है, सामान्य स्तर, एवरेज चाइल्ड होता है। एक इसमें क्वेश्चन आपके आते हैं 70 से 79 मंद बुद्धि बालकों के बारे में बहुत पूछा जाता है, और प्रतिभाशाली बालकों के बारे में, तो इनके बारे में कुछ आपको थोड़ा सा विशेष आपको एक बार ध्यान करना है। टेबल को जरूर एक बार रिपीट करके आप जरूर देख लें। अब जो बुद्धि के परीक्षण है, उन बुद्धि परीक्षणों में जिस बारे में मैं बात कर रहा था आपसे कि बुद्धि परीक्षणों में कुछ आपके कैसे परीक्षण रहे हैं, व्यक्तिगत हैं, सामूहिक हैं, फिर व्यक्तिगत के पार्ट कितने हैं, तो इनको भी हम एक स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। उसमें आपको मैं नजर नहीं आऊंगा लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से स्लाइड समझ पाएंगे। देखिए बुद्धि परीक्षणों के प्रकार की अगर बात की जाए तो पहली टाइप आपको दिखाई दे रही होगी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरी टाइप आपको दिखाई दे रही होगी सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो अब आप देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के भी कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, जिसमें आपको पहला दिख रहा होगा शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरी टाइप आपको दिख रही होगी अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। किसकी बात हम कर रहे हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की हम बात कर रहे हैं। अब इन दोनों में अगर मैं बात करूं शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है, तो इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि जो जिनमें शब्दों का प्रयोग होता है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होंगे। तो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों की बात की जाए तो इसके ठीक नीचे आप देखिए तीन प्रकार के बुद्धि परीक्षण आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, 1905 में जो बिने, अल्फ्रेड बिने और उनके एक सहयोगी थे साइमन, उनके द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें 30 कुछ प्रश्न थे, 30 प्रश्नों का इसमें प्रयोग किया गया था। तो ये मैं बता चुका हूं आपको कैसा है, ये शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है और ये सामूहिक नहीं है, व्यक्तिगत है, ठीक है। इसके बाद इसमें पहला संशोधन किया गया 1911 में, और इस परीक्षण का नाम क्या हुआ, बिने का संशोधित बुद्धि परीक्षण, और इसमें प्रश्नों की संख्या पहले 56 फिर 59 और फिर 60 कर दी गई थी, बता चुका हूं। इसके बाद जो तीसरा आपका शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इसमें 1916 में संशोधन किया गया स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, इसमें टर्मन की अध्यक्षता में, मैं बता चुका हूं। तो स्टैनफोर्ड के द्वारा जो संशोधित परीक्षण किया गया इसका नाम क्या हुआ, स्टैनफोर्ड संशोधित बिने परीक्षण। तीनों के तीनों ही क्या है, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। आपसे पूछा जाए कि प्रथम बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो वो कौन सा है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में तैयार किया गया था, ठीक है। तो इसमें आपको तीन इंपोर्टेंट जो बुद्धि परीक्षण है वो दिखाई दे रहे होंगे। अब हम एक बार बात करते हैं अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के बारे में, तो इसमें आपको दिखाई दे रही होगी नीचे आपको जो परीक्षण है उसमें भूल भुलैया परीक्षण। जो भूल भुलैया परीक्षण है ना, ये पोर्टियस के द्वारा दिया गया था। भूल भुलैया से आपको याद आ रहा होगा कि पहले एक कोई न्यूज़पेपर या किसी बिबुक में, कोई वीकली जो पत्रिका आती थी उसमें एक सीरीज टाइप की आती थी जिसमें एक भूल भुलैया सी बनी होती है, और किसी जानवर को जैसे गाय हो गई उसको चारे तक पहुंचाना है तो रास्ता भटकने वाला, उसको भूल भुलैया परीक्षण हम कहते हैं। इसके बाद
दूसरा परीक्षण इसमें कौन सा है, बाटिया परीक्षण वाला, बाटिया बैटरी टेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, बाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा है वेसलर वैल्यू टेस्ट या वेसलर वैल्यू परीक्षण। तो अब देखो इसमें याद कैसे रखेंगे कि यह शाब्दिक कैसे है, तो बिने साइमन है, बिने बिने साइमन हो गया, बिने का संशोधित हो गया, और इसके बाद स्टैनफोर्ड संशोधित बिने परीक्षण, पहला परीक्षण किया गया, और बिने तो पढ़े लिखे थे, उन्होंने तो बुद्धि के बारे में, बुद्धि टेस्टों का या बुद्धि परीक्षणों का उनको जनक कहा जाता है, तो पढ़े लिखे थे, तो वो परीक्षण कैसे होंगे, शाब्दिक होंगे। अच्छा अशाब्दिक को कैसे याद रखेंगे, जैसे भूल भुलैया, तो भूल भुलैया में कोई रास्ता खोजने की तो जरूरत पड़ रही है, उसमें शब्दों का प्रयोग कहां हो रहा है, तो भूल भुलैया से आपको ध्यान रहेगा कि यह अशाब्दिक परीक्षण है, और इसमें बहुत सारे लोग वो रास्ता खोज रहे हैं, एक व्यक्ति खोजता है, तो एक इंडिविजुअल, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहेंगे। बाटिया बैटरी, बैटरी जो होती है, आप बैटरी से याद रखिए कोई भी बैटरी का चित्र, तो बैटरी जब आप देखेंगे उस बैटरी से आप रोशनी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें साउंड थोड़ी क्रिएट होता है, शब्द या भाषा का प्रयोग थोड़ी होता है, तो उससे आप क्या देख पाएंगे, कोई भी किसी भी चीज को आप देख सकते हैं, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं। तो बाटिया बैटरी परीक्षण भी क्या है, अशाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण है। और वेसलर वैल्यू, वैल्यू से आप जैसे वैल्यू ट्यूब, ट्यूब इस तरीके से याद रख लो, जैसे मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, छोटा बालक है, वो बालक पानी में तैरना सीख रहा है ट्यूब की सहायता से, तो ट्यूब मतलब एक प्रकार का खेल मनोरंजन टाइप का ही हो गया ना, तो ये क्या हो गया, उसमें कोई शब्दों का प्रयोग थोड़ी करना पड़ रहा है, तो वेसलर वैल्यू जो टेस्ट है वो भी क्या होगा, अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। आई होप आपको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के बारे में जो कुछ इंपोर्टेंट बुद्धि परीक्षण थे, इंटेलिजेंस टेस्ट थे, वो मैंने बता दिए हैं। इनके अलावा और भी हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, अगर आप कहोगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो दूसरा टाइप है, मेन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये मैं आपको बता दूं कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो दिया हुआ है, शाब्दिक सामूहिक, अशाब्दिक को ही क्रियात्मक कहा जाता है, अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उनको ही आप क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम पहले बात करेंगे शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की। तो जो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसमें दो आपको इंपोर्टेंट टेस्ट आपको नजर आ रहे होंगे, आर्मी अल्फा टेस्ट, ए से अल्फा होता है, इसको आप याद कैसे रखेंगे, ए से ए ग्रेड के अधिकारी, मैंने बताया 1917 में ये आर्मी के लोगों के लिए तैयार किए गए थे, आर्मी में भर्ती के लिए, तो उस टाइम पर दो प्रकार की भर्ती की गई थी विश्व युद्ध के दौरान, अधिकारियों की और सैनिकों की। तो आर्मी अल्फा, अल्फा में ए आता है, ए एल पी एच ए, तो ए से आप ध्यान रखेंगे ए ग्रेड के अधिकारियों के लिए। तो जो ए ग्रेड के अधिकारी होंगे वो जाहिर सी बात है अधिक पढ़े लिखे होंगे, तो आर्मी अल्फा टेस्ट, इसको आप किसमें, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, क्योंकि समूह में लिया गया था, बहुत सारे लोगों का लिया गया था, एक व्यक्ति का चुनाव नहीं करना था, कई सारे अधिकारियों का इसमें चुनाव करना था। तो आपको ध्यान रहेगा आर्मी अल्फा टेस्ट, ऐसे अल्फा और ए ग्रेड यानी कि पढ़े लिखे लोगों का। दूसरा सेना का सामान्य वर्गीकरण। अब जो सेना का सामान्य वर्गीकरण है ये भी क्या हो गया, सामान्य मतलब जनरल टेस्ट लिया गया, तो जनरल टेस्ट लिया गया, जनरल जो वर्ड है, अब जनरल से आप याद रख लो कि जनरल भी क्या है, अधिकारी है, हालांकि ये सेना के सिपाहियों के लिए था, लेकिन जनरल से भी आपको याद रहेगा ना कि जनरल जो होता है आर्मी में एक रैंक होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये भी क्या है, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार है। अब आते हैं हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों पर। तो आर्मी अल्फा से आपको ध्यान था कि ये अधिकारियों के लिए है, अब एक देखो इसमें आर्मी बीटा टेस्ट लिखा हुआ है, तो आर्मी बीटा बी ग्रेड के लोगों के लिए यानी कि सिपाहियों के लिए, तो जो सिपाही थे वो बहुत अधिक मात्रा में थे और उनका शाब्दिक परीक्षण ना लेकर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया गया था 1917 में, जो कि ऑर्टियस के द्वारा तैयार किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा जो अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कुछ और इंपॉर्टेंट है, उनमें आप शिकागो जो अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है उसको आप याद रख सकते हैं, इसके अलावा पिंगन का जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसको आप ध्यान रख सकते हैं, कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण यानी कि कैटल का जो फ्री कल्चरल टेस्ट है उसको आप ध्यान रख सकते हैं, और इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है। अब अगर बात की जाए कुछ हिंदुस्तानी टेस्ट या परीक्षणों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, तो हिंदुस्तान में जो पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तो देखो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो 1905 में तैयार किया गया था ना, इसी में क्या लगा दिया इन्होंने, हिंदुस्तान बिने साइमन परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इससे आपको ध्यान रहेगा बिने कैसा था, शाब्दिक था, हिंदुस्तान बिने साइमन परीक्षण भी क्या होगा, शाब्दिक,
इसके अलावा जलोटा भाटिया के अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण रहे हैं इनके बारे में भी आप थोड़ा देख सकते हैं, इनसे ज्यादा वैसे पूछते नहीं है। आई होप आपको बुद्धि परीक्षणों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अब मैं इस स्लाइड को हटा रहा हूं। तो अब हम बात करते हैं कुछ और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी हम स्लाइड के माध्यम से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके बचे हुए हैं। जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमने स्लाइड आपकी पढ़ ली थी, ये पढ़ चुके हैं हम यहां तक की। तो हाँ, अब देखिए संवेगात्मक बुद्धि के बारे में हम बात करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संवेगात्मक जो बुद्धि है उस शब्द का जो प्रयोग है ना, सबसे पहले 1990 में दो अमेरिकन प्रोफेसर थे, डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलो के द्वारा इनका प्रयोग किया गया था। लेकिन इसके बारे में जो विस्तार पूर्वक अच्छे से स्टडी किया, अध्ययन किया, वो किया गया अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संवेगात्मक बुद्धि के बारे में अगर सबसे अधिक किसी व्यक्ति का योगदान रहा है तो वो कौन है? डेनियल गोलमैन। ये डोलमैन नहीं है, मिसप्रिंट हो गया यहां पर, डेनियल गोलमैन। और डेनियल गोलमैन को ही संवेगात्मक बुद्धि का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको ये भी ध्यान रख लेना है। अब देखिए डेनियल गोलमैन ने क्या किया था, 1995 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस। और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने लोगों से ये चर्चा की कि बुद्धि लब्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण संवेगात्मक बुद्धि है, और संवेगात्मक बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में उन्होंने लोगों से बातचीत की, ठीक है। और इसी के माध्यम से इसे चर्चा का विषय बनाया गया। संवेगात्मक बुद्धि से हमारा क्या तात्पर्य, संवेगात्मक बुद्धि हम किसे कहेंगे? संवेग इमोशंस, इसका मतलब अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानने समझने तथा उनका उचित प्रबंधन करने से है। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों की न केवल उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें, बल्कि उनकी भावनाओं में अगर कहीं आपको पीड़ा या दुख नजर आता है तो उसको दूर करने का भी प्रयास करें। इस प्रकार की जो चीजें हम करते हैं दैनिक रूटीन लाइफ में या कभी भी सिचुएशन के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, तो उसको इन्होंने क्या कहा है? संवेगात्मक बुद्धि का है। अब संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता क्या है वो भी आप देख लीजिए। कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है, इसकी जो भविष्यवाणी है वो संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा की जा सकती है। जो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत इमोशनल है, और इमोशनल व्यक्ति को अगर कोई टोंट मार दे कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप आगे बढ़ नहीं सकते, आप कोई जॉब में सिलेक्शन नहीं ले सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, और जो इमोशनल व्यक्ति है वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी अगर उसको ले गया तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रयास की जो सीमा है वो बढ़ा देगा, उसमें एक जुनून होगा, और उस तैयारी को करते करते वो बहुत अधिक पढ़ते पढ़ते और एक दिन सक्सेस को प्राप्त कर लेगा। तो बताओ संवेगात्मक बुद्धि का इसमें उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? संवेगात्मक बुद्धि का जो है वो ज्यादा प्रमुखता से इसको देख सकते हैं कि नहीं? तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, जीवन को सुखमय व शांतिप्रिय बनाने में संवेगात्मक बुद्धि योगदान देती है। अगर आपके इमोशंस हैं तो इमोशंस की वजह से ही तो आप अपने फैमिली के जो मेंबर हैं उनसे आपका अटैचमेंट होता है, ठीक है, उनसे आप प्यार करते हैं, आपके इमोशंस उनसे बहुत ज्यादा प्रगाढ़ या बहुत अधिक मतलब मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो किस वजह से होता है? संवेगात्मक बुद्धि की वजह से। और इसी वजह से आप सुखमय और शांतिप्रिय बनाने में अपने लाइफ को क्या कर सकते हो? इस बुद्धि का यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आप देख पाएंगे, विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलता के पीछे भी संवेगात्मक बुद्धि का योगदान होता है। क्योंकि अगर बात करें हम एक बच्चे की, तो बच्चा जो है वो इमोशंस से अधिक क्या होता है, संचालित होता है, उसको अधिक ऑपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संबंधों में प्रगाढ़ता। मैं बता ही चुका हूं संबंधों में मजबूती या प्रगाढ़ता लाने के लिए भी संवेगात्मक बुद्धि का योगदान होता है। लास्ट पॉइंट है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वांछित मतलब उत्तम प्रकार की अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए भी क्या होती है? संवेगात्मक बुद्धि का योगदान होता है। आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, उसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने यहां पर एक डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें आईक्यू का मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस या
इसको आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका लेफ्ट ब्रेन में पाया जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस, जिसमें आपको मतलब अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा आप एक देख पा रहे होंगे डायग्राम में ऊपर दिख रहा हो आपको एसक्यू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये अपने जो सीडीपी है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें नहीं है। इसका प्रयोग केवल जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक टाइप के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिलोसफर होते हैं, केवल वो लोग करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी नहीं। ईक्यू के बारे में हमने अभी पढ़ा है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि हमारे किस में होता है, राइट ब्रेन में होता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का जो फॉर्मूला है ना, इसके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ईक्यू इमोशनल कोशेंट बराबर क्या होता है, संवेगात्मक बुद्धि अपॉन में वास्तविक बुद्धि इनटू में एंडेड। ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी डेनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया था, जो कि संवेगात्मक बुद्धि के जनक है। लास्ट अपनी स्लाइड है और इसमें हम इस टॉपिक का समअप करके इसको फिनिश करते हैं। देखिए जो बुद्धि है उस बुद्धि के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो बुद्धि में एक तो होती है वर्टिकल ग्रोथ और एक होती है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे वर्टिकल जो ठीक ऊपर की तरफ जा रही है, वर्टिकल ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि की ऊर्ध्वाधर या लंबवत वृद्धि हम इसको कह सकते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि बुद्धि की जो वर्टिकल ग्रोथ है वो 18 ईयर तक होती है, 18 वर्ष के बाद नहीं होती, ठीक है। साथ ही जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है ना, ये बुद्धि की क्षितिज या लंबवत समतल वृद्धि, इसको कहते हैं सॉरी क्षितिज वृद्धि या समतल वृद्धि। जो समतल वृद्धि है ये लाइफ टाइम चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। और इसमें क्या किन चीजों में, ज्ञान कौशल जो होते हैं, आपकी नॉलेज है, कौशल है और अनुभव है, ज्ञान है कौशल है अनुभव आदि से ये संबंधित होती है, तो ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लंबवत बुद्धि जो है उसकी ग्रोथ किस टाइम तक होती है, तो लगभग 18 वर्ष तक इसकी ग्रोथ होती है। और इसके लंबवत को वर्टिकल भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल या जो क्षितिज वृद्धि है, समतल वृद्धि है बुद्धि की, वो कब तक चलती है, तो ये जीवन पर्यंत चलती है, मृत्यु तक चलती है। और इसमें किस किस चीज का विस्तार होता है, तो इसमें हमें ज्ञान कौशल और इसके अलावा एक्सपीरियंस जो अनुभव है, इनके बारे में हम यहां पर विस्तार करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर रहा, कंप्लीट हो गया हमारा बुद्धि का टॉपिक। और आप बता सकते हैं अगर इसमें कुछ रह गया है, जैसे मेरिल की जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं बताई है मैंने, वेसलर की नहीं बताई है, और बुद्धि के सारे टेस्ट मैंने नहीं बताए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। फिर भी अगर आपको चाहे, अगर मान लीजिए इससे कुछ ज्यादा चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें। तो आज हमारा जो इंपॉर्टेंट चीजों के अकॉर्डिंग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बुद्धि का जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया है। अगर किसी ने इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं देखा है, तो बाय रिक्वेस्ट, मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से हाथ जोड़ के, इस टॉपिक को आप कंप्लीट जरूर देखिए। आप लोगों को यह एहसास जरूर होगा कि हमें जो कंटेंट कराया गया है बेहतरीन तरीके से कराया गया है, और एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन किसी एग्जाम में छूट नहीं सकता जो कि आपके टीचिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।